मिला पंजाब टाइगर को। पंजाब का स्कोर 15 और यंगस्टर कठवानों पे। बड़ा खूबसूरत मैच यहां पर चल रहा है और जोरदार धमाका कठुआ की जानिब से। अब जाकर के कठुआ ने अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट कमाया है। इसके साथ यंगस्टर कठुआ 10 पर और टाइगर पंजाब 15 पर। बड़ी एहतियात से मुकाबला खेला जा रहा है। लंबे कद के खिलाड़ी बाल पे आए थे, उतनी खूबसूरत चलाकी कठुआ की जानिब से और कठुआ ने ये पॉइंट हासिल किया। इसके साथ ही कठुआ 11 पे और पंजाब टाइगर 15 पे। हाँ, बिल्कुल अंपायर जो है, अंपायर जज है। हाँ, कठुआ की जानिब से ये सर्विस बहुत आसानी से लिया। आप देखते हैं लंबे कद के खिलाड़ी आए मगर वहां पर चलाकी करना चाहते थे, संभाल भी कठुआ के खिलाड़ी और खूबसूरती से बाल को उठाया है। अंपायर ने विसल बजा दी है और देखना होगा कि पॉइंट कहां जाता है। पॉइंट कठुआ के पंजाब की ओर से खूबसूरत पंजाब 16 पे और यंगस्टर कठुआ 12 पे। हाँ बिल्कुल, बाल पे आया और चलाकी से पॉइंट लिया। बस इसी तरह से कठुआ की टीम को पॉइंट बिल्कुल लीड जो है उसको कम कर रही है। 13 पे यंगस्टर कठुआ है और 16 पे टाइगर पंजाब। शुक्रिया अंदाजिक। तो 16 पर है पंजाब, 13 पर है यंगस्टर कठुआ, 15 पर है पंजाब के खाते में 17 और यंगस्टर कठुआ 12। यंगस्टर कठुआ 13 और टाइगर पंजाब 17। ये सर्विस बहुत अच्छा पास करा है, जोरदार शॉट खेला लेकिन काम नहीं आएगा, पॉइंट मिलेगा पंजाब को। पंजाब 18 और 13 पर ही खेलेंगे ये सर्विस यंगस्टर कठुआ 18-13। अच्छा खेल यहाँ पर, अच्छी कामयाबी रहम बगैरा और अब जाकर एक और स्कोर मिला है यंगस्टर कठुआ के 14 और पंजाब के 18। मुकाबला पूरी तरह से बना हुआ है, दोनों टीमें संघर्ष कर रहे हैं चैंपियन बनने के लिए। क्या एक बेहतरीन जजमेंट में कहूंगा, बड़े खिलाड़ी का बड़ा काम हुआ। आखिरी लाइन पर खड़े हुए आपने लगा है, अंतिम समय तक बाल पर रखी, जाने भर दिया सीमा रेखा के बाहर, 19 पॉइंट हो गए हैं पंजाब के। बहुत अच्छा शॉट और पॉइंट लेकर आया अपनी टीम के लिए 15-19। लेकिन पंजाब को भी बहुत दबाच के रखा इस बार कठुआ ने, अच्छा मुकाबला खेला है और सीधा सीधा पॉइंट जो है पंजाब को मिलेगा। और अब पंजाब के पॉइंट हो गए हैं 20, पॉइंट की बढ़त जरूर है लेकिन कठुआ को वापसी करना आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़िया शॉट खेला है, जी हाँ, अंपायर का इशारा कि बॉल बाउंड्री के बाहर गिरी है और पॉइंट मिलेगा कठुआ को 21 पॉइंट पर पंजाब और कठुआ 15 पॉइंट पर। यंगस्टर कठुआ को, यंगस्टर कठुआ आज जाकर के पहुंच गए हैं 16 और 21 पर खेल रही है पंजाब की टीम। फाइनल सेट है, अब आपको अगले साल इस मैच में मौका मिलेगा। सही शॉट खेला और 22 यानी के 22 के स्कोर पर अब पंजाब जीत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, क्योंकि लंबी लीड में कहूंगा यहाँ पर
6 पॉइंट की लीड बना ली है। पंजाब की टीम है इतिहास अपने नाम करने के लिए मंजिल उनको बिल्कुल करीब दिख रही है। बहुत अच्छा शॉट खेलना चाहते थे आपने, नक्शा को दर्शाया, वापस जाएंगे 23-16। नाजुक परिस्थितियां फिलहाल कसरिया के लिए। बहुत अच्छा सर शॉट में ढंग से लिया गया है, बढ़िया शॉट, बड़ा आउट, अंडर नेट है, डायरेक्ट हिट हुआ है बॉल। जी हाँ, कठुआ को पॉइंट मिलेगा और अब कठुआ के स्कोर की संख्या बढ़ती हुई हो गई है 17-23 पर है टाइगर पंजाब। इंतजार कर रहे थे, जैसे ही बॉल में बिता आई, जोरदार एक दर्शनीय स्ट्रोक आक्रामक लुक अपनाया है यहाँ पर। मैं कहूंगा उससे सौरभ द्वारा, और अब जाकर के 23-18 टाइम आउट लेकर टीम मैदान के बाहर जा रही है। प्रिंसिप हुई थी उसके चैंपियन भी पंजाब की टीम थी, उससे पहले 2 बार लगातार कठुआ की टीम ने जीता था। और कठुआ की टीम से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर चांदी की टीम ने जीता था, और फिर उससे पहले किला प्रांत की टीम ने, विकास की टीम ने, कल से हम बताते आ रहे हैं कि इस मैदान में हर टीम को फाइनल मुकाबले में जगह दी है। तो अब यहाँ पर सर्विस की विसर बढ़ चुकी है, 23 है पंजाब और 18 यंग स्टार कठुआ। बहुत अच्छा पास चला बाबा, बहुत अच्छा गेम खेल रहा है आपने आज, पूरे दिन में बहुत अच्छा किया। आए हो दविंदर, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, पॉइंट मिलेगा कठुआ को 19-23। यंग स्टार कठुआ के यार्ड से सर्विस, बेहतरीन सर्विस और दविंदर का शॉट। जी हाँ बिल्कुल, दविंदर अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लाएंगे और बिल्कुल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2023 बिल्कुल अपने एंड की तरफ, अपनी मंजिल। बता दो, एक पॉइंट बचा हुआ है, सिर्फ एक नंबर बचा हुआ है। अभी भी समय है,